इसमें इस स्क्रीन शेयर में अभी आपके सामने एक इक्तिबास आएगा और इक्तिबास में हम थोड़ा सा इसको एक अनोखे अंदाज में पढ़ेंगे। ये इक्तिबास जो है ज़रा इंतज़ार कीजिएगा, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिएगा ज़रा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इक्तिबास का उन्वान है खूब नकल किया करो। अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ये कैसा उन्वान है, हम तो नकल को कंडेम्ड करते हैं, नकल से रोकते हैं, ये कैसी नकल है जिसके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर इस इक्तिबास में मुसन्निफ़ ने नकल करने को अच्छा बनाकर पेश किया है। देखते हैं कि उन्होंने नक्काली को अच्छा क्यों बनाकर पेश किया है। वैसे तो उसूली तौर पर नकल करना किसी भी एतबार से वो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बाज़ जगहों पर नकल करना एक अच्छी अलामत समझी जाती है। मसलन अच्छाइयों में नकल करना, मसलन आपने किसी को अपना रोल मॉडल बनाया, रोल मॉडल बनाने के बाद उसकी हर अच्छी आदत को आप नकल करते हैं। और बहसियत मुसलमान अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम के हर हर अमल को और उनकी हर हर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं तो गोया ये एक तरह की नकल ही है, लेकिन इस नकल में हमारी बल्कि सारी इंसानियत की फलाह व बहबूद छुपी हुई है। तो मालूम ये हुआ कि नकल करना जो है वो बहैसियत तालिब इल्म इस अंसर में तो एक गलत चीज़ हो सकती है कि आपने एग्ज़ाम के दौरान नकल किया, किसी का लिखा हुआ मज़मून या किसी का लिखा हुआ काम आपने नकल कर लिया और चुरा लिया, अपने आपने खुद से मेहनत नहीं की। लेकिन यहाँ नकल करने से मुराद वो वाली नकल नहीं है, यहाँ नकल करने से मुराद है कि आपने जो है वो अच्छाइयों को नकल करना है और किसी के किसी हुनर को नकल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कोई हैंड रेस करें और इसकी आप बुलंदख्वानी करें। कौन करेंगे इसकी बुलंदख्वानी? जी समीर अली। जी समीर अली, आपने इसकी बुलंदख्वानी करनी है। समीर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी समीर, समीर आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। जाए ठीक है, अब आप बुलंदख्वानी करना शुरू कीजिए उन्वान के साथ। सर मेरा गला आपको नजर आ रहा है? जी अब्दुल्ला बेग आपको नजर आ रहा है? अब्दुल्ला बेग आपको नजर आ रहा है? यस सर नजर आ रहा है, मगर मेरा गला खराब है सर अभी। अच्छा ठीक है, तो आप बता देते। इबाद आप पढ़िए बेटा, इबाद ने बुलंदखानी करनी है इसकी। इबाद आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। जी चलें पढ़ना शुरू कीजिए। खूब नकल किया करो, अगर आप मुझसे अदीब बनने का गुर पूछें
तो मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज बताऊंगा, वो लफ्ज है नकल। नकल करके ही आदमी अदीब बल्कि अच्छा अदीब बन सकता है। आपको ये बात अजीब लग रही होगी क्योंकि नकल को तो बुरा समझा जाता है। नकाल कोई अच्छा नाम नहीं है, मजमून की नकल करना और चोरी करना बराबर ही समझा जाता है। लेकिन मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि संजीदा हूँ। अदीब बनने के लिए नकल करना जरूरी है, मैंने तो यही कहा था। नकल नकल में फर्क जरूर है। मैं जिस नकल का मशवरा दे रहा हूँ वो नकल है सीखने के लिए। यूं भी इंसान अपनी जिंदगी के बहुत से काम नकल करके ही सीखता है। लिखने का फन भी नकल ही से सीखा जाता है। किस तरह? इस तरह के एक ब्याज बनाओ और जो कुछ पढ़ो इसमें जो बातें जुमले या पैरे आपको बहुत अच्छे लगेंगे उनको उतार लो। हर अच्छी तहरीर के टुकड़े इस ब्याज में नकल करो कर लिया करो। अदीब बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी खूब मुताला ना करे वो लिख नहीं सकता। मेरी एक बात याद रखिए, खूब पढ़िए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। खूब पढ़ने के दो मतलब हैं, एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा किताबें रिसाले अखबार पढ़े जाएं, दूसरा मतलब ये है कि जो कुछ भी पढ़ा जाए वो पूरी दिलचस्पी और तवज्जो से पढ़ा जाए। दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। तवज्जो से पढ़ने का फायदा ये होता है कि पढ़ी हुई बातें याद रहती हैं। याद रखने का एक तरीका ये भी है कि जो कुछ पढ़ा है उसके खास खास हिस्से और टुकड़े नकल कर लिए जाएं। आपको जो अदीब पसंद हो उसकी तहरीरें आप ज्यादा से ज्यादा नकल करें। इस तरह आपको भी इसी अंदाज में अपनी बात कहने और अपने ख्यालात जाहिर करने की मशक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लिखने का तर्ज भी वही हो जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि आप खुद अपना मजमून या कहानी लिखने बैठें उस वक्त नकल ना करें। खुद लिखने की कोशिश करते वक्त आप अपने दिमाग पर जोर दें और जो भी ख्यालात आ रहे हैं उनको सादा लफ्जों में बयान करने की कोशिश करें। आप सिर्फ वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिनके माने आपको अच्छी तरह आते हों। जिस लफ्ज के माने आप पूरी तरह ना आते हों वो लफ्ज हरगिज इस्तेमाल ना करें। एक मजमून या कहानी लिख कर रख दो, चंद दिन के बाद इसको खुद पढ़ो और बुलंद आवाज से भी पढ़ो। बुलंद आवाज से पढ़ने से भी फायदा होता है, तहरीर की रवानी का अंदाज हो जाता है। हर हुनर और हर फन मेहनत चाहता है, मश्क और मेहनत के बगैर कभी कमाल मयसर नहीं होता। इसी तरह हर फन। अच्छा जरा एक मिनट वेट कीजिएगा जी। नजर आ रही है स्क्रीन आपको ये बात? जी ये बात स्क्रीन नजर आ रही है? यस जी सर आ रही है। पढ़िए। हर हुनर और हर फन मेहनत चाहता है, मश्क और मेहनत के बगैर कभी कमाल मयसर नहीं होता। इसी तरह हर फन का मामला है, अदब या लिखने का फन भी मेहनत और वक्त चाहता है। जो बड़े बड़े अदीब हुए हैं उन्होंने महीनों नहीं बरसों मेहनत की है। इसलिए ये चाहना कि आपने जो पहली तहरीर लिखी है वही वही छप जाए अच्छा नहीं है। एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की थी कि 50 मजमून तक तो तुम छपवाने का ख्याल भी मत करना। इनका मतलब ये एक खुला राज था कि जब तक 50 मजमून ना लिख लो तुम्हारे मजमून इस काबिल नहीं होंगे कि वो छप सकें। मश्क से आदमी को खुद लिखना आ जाता है और वो अपनी तहरीर के नकाइस का खुद अंदाजा लगा सकता है। खुलासा ये है कि लिखो लिखे जाओ, एक दिन बड़े अदीब बन जाओगे।
अच्छा, अब आपको नीचे इशारे दिए हुए, इशारे पढ़िए। अच्छा ये मैं इशारे पढ़ देता हूँ इसके। पहला इशारा है कारीन को नकल का मशवरा, दुरुस्त है या सही। फिर दूसरा इशारा है नकल करने के फवाइद। तीसरा इशारा है अदीब बनने के लिए तजावीज। चौथा इशारा है मिजामीन की बुलंद खानी के फवाइद। पांचवा इशारा है बुजुर्ग के मशवरे का मफहूम। तो बुजुर्ग के मशवरे का मफहूम जो है वो आखिर में दिया हुआ है। कि हिफ्जुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी हिफ्जुर रहमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिफ्जुर रहमान, अच्छा ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। ये चार पांच इशारे आपको दिए हुए हैं। एक तो कारीन को नकल करने का मशवरा जो है वो सही है या गलत है, नकल करने के फायदे हैं, अदीब, अदीब कहते हैं जो अदब लिखता है, अदब पढ़ता है और अदब को उसके नाम से मुतारिफ़ करवाया जाता है। अदीब बनने के लिए जो तजावीज़ दी हैं वो क्या हैं आपके ख्याल में? मिजामीन की बुलंद ख्वानी के फवाइद क्या होते हैं? बुजुर्ग के मशवरे का मफहूम क्या है? तो बुजुर्ग से मुराद यहाँ पर यह है कि जो उन्होंने लिखा है कि एक बुजुर्ग ने मुझे जो नसीहत की थी वो नसीहत ये की थी ना उन्होंने कि पहले 50 मजमून लिखो, जब तक 50 मजमून लिख ना चुको तो उस वक्त तक आप अपने किसी मजमून को छपवाने की कोशिश नहीं करना। इसका मतलब ये होगा आम अल्फाज में कि इंसान 50 मजमून लिखने के बाद इस काबिल हो सकता है कि उसकी कोई तहरीर किसी किताब, किसी अखबार या किसी भी जो है वो उसमें माहनामे में या हफ्तनामे में या रोजनामे में छपवाई जा सके। अच्छा ये जब आप पढ़ लेते हैं तो अब आपके पास जो करने का काम है वो ये है कि आपके पास एक सवाल आएगा। अब वो सवाल आपने करना होगा। आपको मेरी स्क्रीन पर ये सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और मैं ये दोनों फाइलें अभी आपकी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सवाल ये है दिए गए इक्तबास को बगौर पढ़िए और मुसन्निफ़ ने अदीब बनने के लिए नकल करने का जो मशवरा दिया है क्या वो कारीन के लिए मुफीद साबित हो सकता है? दिए गए इशारों की रोशनी में तबसरा कीजिए। अब आपका जवाब वही 350 अल्फाज तक होगा, यानी 300 से 350 अल्फाज तक। आप तमाम बच्चे बखूबी जानते हैं कि इक्तबास का जो ये सवाल आता है ये आपके पर्चा नंबर 2 में तकरीबन 20 नंबर का सवाल आता है। 20 नंबर का ये सवाल आता है तो बखूबी जानते हैं कि इसमें आपने क्या लिखना है, किस अंदाज से लिखना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ अल्फाज की हद पूरी की और उसमें मयारी नहीं लिखा होगा तो वो जाहिर है कि वो उस तरह से नहीं हो सकता, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जी ये हिफ्ज़ुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर से इनको हम मौका देते हैं। मोहम्मद अहमद, जी बेटा मोहम्मद अहमद क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मोहम्मद अहमद, हिफ्ज़ुर रहमान सर आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है सर, आ रही है फिर जा रही है, आ रही है जा रही है। अच्छा ये थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, नेट का इशू हो सकता है क्योंकि आवाज का आना जाना जो है ना ये मेरे अख्तियार में अब नहीं है। नेट जब उसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो आपको आवाज भरपूर आ रही होगी, जब नेट के सिग्नल वीक होते हैं तो आवाज कम हो जाती है या कट जाती है, ये होता है बस। अच्छा अब मैं जो हमारी जो असल चीज़ है उसकी तरफ आता हूँ। ये जो हैंड रेस किए हैं इनको ज़रा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा,
मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि मुसन्निफ ने अदीब बनने के लिए नकल करने का जो मशवरा दिया है, क्या वो कारीन के लिए मुफीद साबित हो सकता है? दिए गए इशारों की रोशनी में तबसरा कीजिए। तो दिए गए इशारों की रोशनी में तबसरा आप कैसे कर सकते हैं? दिए गए इशारे में यह है, कारीन को जो नकल करने का मशवरा है ये दुरुस्त है या सही? तो इसमें ये मशवरा मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में अर्ज ये किया था कि किसी भी चीज़ की नकल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने जो है वो उसको मिन अन छापना शुरू कर दिया है, बल्कि नकल करने का मतलब ये है कि आप अच्छाइयों को नकल कर रहे हैं, आप उन अच्छाइयों से कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप उन चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है ना वो इसका जो उन्वान रखा है मुसन्निफ ने वो रखा है खूब नकल किया करो, खूब नकल किया करो का मतलब यही है। जी ये हम बात सुन लेते हैं इनकी, हसान की भी और हिफ्जुर रहमान की भी। ये मैं इनको अनम्यूट तो कर रहा हूँ ये, लेकिन अनम्यूट हो नहीं रहे मुझसे। जी हिफ्जुर रहमान सर, ऐसा लग रहा है हवा बहुत तेज चल रही है सर, काफी पीछे की सर कोई आवाज ही नहीं आ रही सर। देखें ये थोड़ा सा वही इशू है ना, नेट का इशू है, यहाँ पर थोड़ी सी आवाजें हैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। आपको थोड़ा सा इसमें कान लगाकर गौर करना पड़ेगा। मैं दोबारा अपनी बात नकल करता हूँ, दोबारा अपनी बात शुरू करता हूँ। मुसन्निफ ने नकल करने का जो मशवरा दिया है वो इन मानों में दिया है कि अगर आप अच्छे अदीब बनना चाहते हैं तो आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में नकल करने का हुनर जो है वो लाना पड़ेगा। अच्छा ज़रा एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ तो उससे शायद आपकी आवाज़ जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाए। जी उम्मीद है कि अब आवाज़ कुछ बेहतर हो गई होगी। अच्छा देखें इसमें तो, बेहतर है। जी जी इसमें जो मुसन्निफ कहना चाह रहे हैं कि नकल करना इन मानों में अच्छा हो सकता है कि आपने किसी अदीब को देखा कि वो लिखता कैसे है, उसके अल्फाज बयान करने का अंदाज, उसका उसके जो लहजे हैं, लहजे का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें आप जब नकल करते हैं तो ये भी आपको जो है वो एक अच्छा अदीब बनाती हैं। वो तमाम मकबूल अदीब या अच्छे लिखारी या बेहतरीन मुसन्निफीन जिनकी किताबों में जिनकी किताबों को हाथों हाथ लिया जाता है, जिनको बेहतरीन मुसन्निफ समझा जाता है, बहैसियत मुसन्निफ या बहैसियत अदीब उनका बड़ा नाम है, उन लोगों को देखें कि वो लिखते कैसे हैं, वो किस तरह से जो है ना वो अल्फाज का चुनाव करते हैं, लहजे का उतार चढ़ाव कैसा होता है उनका। जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करने की कोशिश करें तो यकीनन उससे हमें फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो जाहिर है कि वो हम अपने उससे जो है वो अगर अपनी 100% उस नक्काली को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेंगे, कुछ ना कुछ जो है ना वो हमें ज़िंदगी में तब्दीली महसूस होगी। ये असल में नक्काल जो है ना वो इस अंदाज में कहा, नक्काली से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्कुल उस तरीके से नक्काली शुरू कर दी जाए जैसे कि एक जानवर करता है, जैसा तोता करता है। तोता जो नक्काली करता है वो तो बगैर समझे कर रहा होता है ना, उसके सामने जो कुछ कहा जाता है वो उसको तोता जो है वो उन्हीं अल्फाज को रिपीट कर देता है। या नक्काल जो है कहा यह जाता है कि जानवरों में बंदर जो है वो सबसे अच्छा नक्काल होता है। आप तमाम बच्चों ने बंदर को देखा ही होगा और बंदर की नक्काली भी देखी होगी कि बंदर जो है जब उसको सिखाया जाता है तो वो बिल्कुल इंसान की तरह नकल करता है उसके चलने, अगर उसको सिखाया जाए कि जी इंसान की तरह चलना है तो वो इंसानों को चलते हुए देखता है, वो वैसे नकल करता है, वो देखता है कि इंसान को किस तरह से बिठाया जाए और वो इंसानों को बैठता हुआ देखता है, उसको सिखा दिया जाता है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह नकल करता है।
लेकिन उसकी नकल के अंदर अकल नहीं चल उसको उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने उस नक्काली से अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ले आया हो, क्योंकि वो जो एक मुहावरा है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वो तो बेचारा जानवर है, वो अकल से खाली है। उसको तो अल्लाह ताला ने जो जितनी मामूली सी समझ दी है वो उसके मुताबिक नकल करता है, लेकिन वो बाहर इंसान तो नहीं है। इंसान की तरह से तो वो नकल करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकता। इंसान जो नकल से तब्दीली लाता है वो एक अच्छा और बाशऊर इंसान बनता है, और वो बाशऊर इंसान तभी बन सकता है जब वो उसको मुस्बत अंदाज में अपनी ज़िंदगी में उसका इतलाक करने की कोशिश करे। यहाँ पर जो ज़ेरे नज़र मज़मून है, इस मज़मून में भी मुसन्निफ ने अदीब बनने के लिए जो हमें नकल करने का तरीका सिखाया है ना, वो कुछ मुस्बत अंदाज का ही है। मसलन हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नकल नकल में फ़र्क ज़रूर है। मैं अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं इस चीज़ को, कि उन्होंने जो ये लिखा है कि नकल नकल में फ़र्क ज़रूर है, ये आपकी ऊपर से गालिबन चौथी या पांचवी लाइन बनती है यहाँ से। नकल नकल में फ़र्क ज़रूर है, मैं जिस नकल का मशवरा दे रहा हूँ वो नकल है सीखने के लिए। ये थी वो असल बात जो मुसन्निफ बयान करना चाह रहे हैं। यूँ भी इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत से काम नकल करके ही सीखता है। लिखने का फ़न भी नकल ही से सीखा जाता है, सीखा जा सकता है। किस तरह? इस तरह कि एक बयास बनाओ। बयास कहते हैं एक डायरी बनाएं, एक पर्सनल नोट बनाएं, जिसके अंदर आपकी जो है ना पसंदीदा बातें लिखी हों। आज के दौर में तो ये रुझान ही ख़त्म हो गया। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और कंप्यूटर ने तो इस बयास बनाने और डायरी बनाने के रुझान को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। लेकिन जिन लोगों में ये रुझान आज भी मौजूद होता है वो लिखने का हुनर ज़रूर जानते हैं। इसीलिए मुसन्निफ ने पहला उसूल बयान किया कि इस तरह से आप नकल करें कि आप एक बयास बनाएं और उस बयास में अपने पसंदीदा अशआर लिखें, पसंदीदा बातें लिखें, पसंदीदा पैराग्राफ लिखें। तो लिखा, जहाँ से हम देखते हैं कि इसी तरह एक बयास बनाओ और जो कुछ पढ़ो उसमें जो बातें, जुमले या पैराए, पैरे कहते हैं पैराग्राफ को, या पैरे आपको बहुत अच्छे लगें उनको उतार लो। हर अच्छी तहरीर के टुकड़े इस बयास में नकल कर लिया करो। देखें कितनी खूबसूरत बात कही। इस पूरी की पूरी जो पैराग्राफ का जो मैं समझता हूँ कि खुलासा है, वो जो मैंने ये हाईलाइट किया है इसमें मौजूद है। वो खुलासा क्या है कि नकल नकल में फ़र्क है, वो वाली नकल नहीं है, और मुसन्निफ जिस नकल का मशवरा दे रहे हैं ये नकल दरअसल सीखने के लिए है, ये वो जानवरों वाली नकल नहीं है। और इस नकल से इंसान जो है वो जो कुछ सीखेगा वो उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेगा और यकीनन तब्दीली आएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब अदीब बनना है और अदीब बनने के लिए लिखना ज़रूरी है, तो पहले मरहले में आपने ये करना है कि अपने पास एक बयास बना लो, एक छोटी सी डायरी बना लो आप अपने पास, और उसमें आप जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज़िंदगी की हर अच्छी बात, ज़िंदगी में लगने वाली हर वो खूबसूरत बात, हर वो अहम बात जिसको आप समझते हैं कि ये नोट होनी चाहिए, वो जो है वो उस डायरी में, उस बयाज में लिखिए। हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी डायरी में जो कुछ लिखा करते थे, उनकी मौत के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद जब वो डायरी खोलकर देखी गई तो उनकी ज़िंदगी के बहुत से हालात हमें पता चल गए। मसलन आप देखें, राशिद मिन्हास को सब जानते होंगे, सबने सुना होगा नाम। राशिद मिन्हास की शहादत के बाद जब उसकी ये बयाज, ये डायरी खोलकर पढ़ी गई, तो मालूम हुआ कि उसको जो ये पायलट्स वगैरह का और जांबाजी का और हवाबाजी का इस कदर शौक़ था, और इस चीज़ को उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा था। चुनाचे एक जगह उसकी डायरी में लिखा हुआ था कि हम हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते, तो फिर क्यों ना हम अपनी जान अपने वतन पर कुर्बान कर दें, ये तो सबसे अच्छी बात है।
ये डायरी में उनकी जब ये जुमला पढ़ा गया तो बाद में उनकी शहादत के बाद लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये छोटा सा लड़का जो था, जो अपनी इतनी कम उम्र में ही जांबाजी का मुजाहरा करते हुए शहीद हो गया, इसने तो बचपन से ही अपनी जो है ना वो ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने का मकसद बना रखा था। तो ये हैरानगी हुई। लेकिन अगर उसने ये डायरी न लिखी होती तो शायद उसकी ज़िंदगी का ये गोशा लोगों के सामने ना आ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें, कुछ ज़ाती चीज़ें और कुछ वो चीज़ें जो जो उसको लगेगा कि ये महफूज होनी चाहिए, वो किसी ना किसी बयाज में, किसी ना किसी डायरी में ज़रूर लिखे। उसका फ़ायदा ये होता है कि मसलन अगर वक्ती तौर पर वो उसको ना भी खोले, 10 साल के बाद खोलता है, 15 साल के बाद खोलता है, 20 साल के बाद खोलता है, तो उसको वो सारी चीज़ें उसके जहन में ताज़ा हो जाती हैं। और ये मैं भी अपनी बात आपसे अगर शेयर करूं कि मैंने अपने ज़माने तालिबे इल्मी में अब से तकरीबन 25-26 साल पहले कुछ बातें जो लिखी थी और वो मेरी डायरी में आज तक महफूज हैं, आज मैं जब उन्हें खोलता हूं और अपनी 25-26 साल पीछे अपनी ज़िंदगी में जाता हूं और उस तहरीर को देखता हूं तो मैं बहुत इंजॉय करता हूं, बहुत लुत्फानंदोज़ होता हूं कि अच्छा उस वक्त मेरे सोचने का अंदाज़ ये था, अच्छा उस वक्त मेरे लिखने का अंदाज़ ये था, मेरी सोच का धारा इस सिमत में बहता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे माजी में ले जाती हैं और मैं खुद बहुत उससे लुत्फानंदोज़ होता हूँ। तो हर इंसान को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो बयाज में नकल कर लिया करे, एक पर्सनल डायरी में छुपा लिया करे, क्योंकि इससे बहरहाल उससे फ़ायदा होता है। एक तरफ तो लिखने की प्रैक्टिस होती है और दूसरी तरफ वो जो लिखा हुआ आपकी जो ज़ातियात हैं वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं अगर वो ज़ाया ना हो। तो जब भी वो खोल कर देखा जाएगा उस वक्त के सारे हालात, जिस तनाजुर में आपने वो बातें लिखी होंगी, वो आप न सिर्फ ये कि आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगी बल्कि जो भी उसको पढ़ेगा वो उस वक्त आपकी जहनी हालत, आपके ख्यालात, आपके एहसासात, आपकी जो ज़ातियात की जो जितनी भी चीज़ें थी वो बखूबी उनसे वाकिफ़ हो सकता है। हम अपनी आज की क्लास का जो हमारा आज का ये टॉपिक था उसको हम इख्तिताम करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपको मैं ये फ़ाइल शेयर कर देता हूँ, आपने इस सवाल को लिखना है और इस दिए गए इक्तिबास को आपने प्रिंट करके कॉपी में चिस्पा करना है, सवाल का जवाब लिखना है बिल्कुल उसी अंदाज से, और फिर आपने जुमेरात या आप आने वाले दिनों में जब भी आपको वक्त मिले आप यहाँ पहुँचा दें, या अगर पहुँचा नहीं सकते हैं तो उसको लिख कर आप मुझे गूगल क्लासरूम में शेयर कर दें। जज़ाकल्ला। इसके साथ ही आज की क्लास का इख्तिताम होता है।